अस्सलामुअलैकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ वॉलनट टार्ट बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं, मैंने आपको पहले सिखा दिया हुआ है बेसिक स्वीट बनाना, यानी कि बेसिक जो क्रस्ट होती है उसकी आपने इसे हाफ कुक कर लेना है। 180 डिग्रीज होगा, 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4। जस्ट 5 मिनट्स के लिए हम इसको बेक कर लेंगे ताकि क्रस्ट इससे कच्ची ना रह जाए। आपको सिखा चुकी हूँ, वीडियो पे आप लिंक देखेंगे वहाँ पर जरूर जाइएगा और देखेंगे किसी के से बेसिक जो स्वीट बनती है इसकी जो क्रस्ट होती है हाफ बेक कर लेते हैं। उसके बाद आपको चाहिएगा इसके लिए वॉलनट्स यानी कि अखरोट। आपने इसको यूँ ज़रा मोटा मोटा यानी कि दरदरा सा आपने इसको जो है विद इसको आप ले लें एक एयर टाइट बैग में और साथ में विद रोलिंग पिन के साथ इसको थोड़ा सा क्रश कर लें, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। ज़रा मुँह में अच्छा लगता है जब ये खाते हुए, मोटा मोटा अच्छा लगता है जायका इसका। शुगर यानी चीनी आपको चाहिए होगी, एग वाइट्स आपको चाहिए होंगे सिर्फ इसके लिए, मक्खन यानी कि बटर और मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर आपको चाहिए होगा। अब आपको दिखा देते हैं कि आपने इसको तैयार कैसा करना है। पैन का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, बीच में हम डालेंगे अपने अखरोट यानी कि वॉलनट्स। फिलहाल नीचे चूल्हा बंद है, पहले हम चीज़ें सारी बीच में ऐड कर लेते हैं। चीनी यानी कि शुगर, एग वाइट्स, मक्खन आपने डालना होगा बीच में, और ये डालने के बाद आप चूल्हा करेंगे ऑन। देखिए इसमें हमने एग वाइट्स डाली हैं, आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। चमचा आप इसमें कॉन्स्टेंटली हिलाते रहेंगे और जैसे ही इसमें एक बबल आएगा यानी कि एक आप देखेंगे बॉयल आ गया तो आपने इसको फॉर्म से पहले रिमूव कर लेना है। चमचा हिलाते रहें, बिल्कुल आपने इसको लो और मीडियम के दरमियान में रख कर करना है ताकि जो है एग वाइट्स जो हैं बिल्कुल जो है कहीं स्क्रैम्बल एग ना बन जाए। तो ये देख लें, मैं साथ से चमचा हिलाती चली जा रही हूँ और आपको आगे दिखा दूँगी जैसे इसमें एक बबल आ जाए। देख लें यहाँ पर इस पर एक बॉयल आ चुका हुआ है और ये आपको इसका टेक्स्चर चाहिए। और अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमारा मैदा है यानी कि प्लेन फ्लावर, और इसे भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। ये होता है कि इसको ज़रा बड़ी खूबसूरत सी बाइंडिंग दे देता है। और ये देख लें, ये हो गया हमारा फिलिंग तैयार। पेस्ट्री जो है हमने ऑलरेडी पहले से टार्ट का जो बेसिक था यानी कि स्वीट पेस्ट वो हम लोगों ने हाफ बेक की है फॉर 5 मिनट्स। अब इसकी फिलिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। अवन आपने पहले से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है। इसे हमने हाफ कुक किया है फॉर 5 मिनट्स। मैं आपको बता चुकी हूँ गैस मार्क 4, 180 डिग्रीज, 350 फ़ारेनहाइट। और अब जो हमारी फिलिंग है हम इसके अंदर डाल करके आपने इसको इक्वली स्प्रेड आउट कर लेना है और हम इसे बेक करेंगे। तो इसको ज़रा जो है ये देख लें, बहुत मज़ेदार बनती हैं, बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आप मेरी वो लिंक पर जाकर के देखेंगे कि इसकी बेसिक जो पेस्ट्री वो किस तरह बनती है, तो ये कि आप उन्हें बना करके डब्बे भर करके आप उन्हें रख लें, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और अब हम इसे बेक कर लेते हैं। एटा जास्मिन को अगर आप डब्बों में रखते हैं तो जब आपका दिल चाहे आप इसका की फिलिंग बनाएं और आप उसे जो है बेक कर सकते हैं। ये कर लेने के बाद हम इसे बेक करने लगे फॉर फर्दर 15 मिनट के लिए, क्योंकि 5 मिनट के लिए हो चुकी हुई है, अनदर 15 मिनट्स लगेंगे और अंटिल जो आप देखेंगे क्रस्ट जो है बड़ी खूबसूरत सी हो जाएगी। आपको फिर मैं आगे दिखाऊंगा। देख लें 15 मिनट की बेकिंग के बाद इसे हम बाहर निकाल के डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रही आपकी वॉलनट टार्ट, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमेशा ही कहती हूँ कि वीडियोज़ के ऊपर जो लिंक्स हो उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि ये कि आप देख सकें कि जो चीज़ें उनके साथ लिंकअप होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी हुई है इसकी स्वीट पेस्ट्री बनाना, ज़रूर बनाएं। इसका जायका इतना मज़ेदार है, आप जब ट्राई करें खुद पर चल जाएगा। आपके सामने एक स्लाइस काट दिया हुआ है, ज़रूर बनाएं। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए वेबसाइट पे जाइएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।